हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आ चुका है रेडमी 5 के अंदर MIUI 11 का सेकंड अपडेट MIUI 11.0.2.0, जो कि 173 MB का साइज है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर तो नहीं, थोड़े बहुत फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी वीडियो में बताऊंगा क्या बग फिक्स किए हैं और क्या कुछ न्यू फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं रेडमी 5 डिवाइस में। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर Redmi 5 की यूजर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 11.1 सीरीज का एक न्यू अपडेट आने वाला है, उसमें भी आपको फीचर बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से भी लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले बता दूं, जिसको अपडेट नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से अगर आपको अपडेट नहीं मिला, अगर मैन्युअली अपडेट करना आता है तो आप कर सकते हैं लिंक से डाउनलोड करके। तो चलिए चलते हैं इसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं Redmi 5 डिवाइस 11.0.2.0, और इसके अंदर बात करें हम एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पे 2019-12 में दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इतना पुराना डिवाइस होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच दिसंबर का देखने को मिल चुका है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी Xiaomi की। और यहाँ पर Realme की बात करें तो वो ColorOS 7 का अपडेट, एक साल पुराना डिवाइस है, उसको भी नहीं दे रहे अपडेट। तो यहाँ पे हम लकी मानते हैं कि हम एक Redmi के यूजर है और हमें इतने पुराने डिवाइस होने के बावजूद भी अपडेट देखने को मिल जा रहे हैं। हालांकि ज़्यादा फीचर नहीं देखने को मिलता, लेकिन अपडेट अभी भी दे रहा है Xiaomi पर, यह मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, वो भी दिसंबर का सिक्योरिटी पैच के साथ। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे क्लॉक के अंदर, तो क्लॉक के अंदर थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया गया। जैसे क्लॉक ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए गए लोकल टाइम को लेकर, यहाँ पे और भी कंट्री कुछ थोड़े बहुत इन्होंने लोकल टाइम के अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया, तो वो कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं देखने को मिले। थोड़ा बहुत बग फिक्स किया, MIUI 11 जो था बहुत ज़्यादा लैगी था, तो उसे फिक्स कर दिया गया। अब आपको कम बहुत कम लैग इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। और बात करें हम इसकी कैलकुलेटर ऐप की, तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो तो पहले ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखते हैं तीनों के तीनों निशान चेंज देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पे आपको लिखने को आता था कैलकुलेटर, और यहाँ पे लाइफ का ऑप्शन देखने को मिलता है, लिखा आता था इंग्लिश में, लेकिन अब आपको UI देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो यहाँ पे मोबाइल तो थोड़ा फास्ट हुआ ही है, और नोट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टास्क ऑप्शन देखने को मिला। टास्क में 3 डॉट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे फाइनली आपको मिल चुका है यूज टास्क टूल बॉक का ऑप्शन। जी हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। अब दिखा देता हूँ ये फीचर कैसे काम करता है। अब जैसे मैंने इनेबल कर लिया, अब मान लीजिए अब हम करते हैं इसको, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखते हैं साइड में एक ट्रांसपेरेंट सा आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं जो भी आपके टास्क रखेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनली ये सभी यूजर्स को मिल चुका है टास्क टूल बॉक्स का ऑप्शन। तो इस फीचर का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसमें बग फिक्सिस तो किए गए ही हैं, वो तो पता ही आपको। बात करो सिक्योरिटी ऐप में अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का ऑप्शन, तो वो अभी भी नहीं देखने को मिलता, वो 11.1 सीरीज के साथ ही साथ तक देखने को मिले, तो ये आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉगल्स में एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखते हैं टॉगल्स को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MI रिमोट का टॉगल्स आपको ऐड देखने को मिलता है, तो इसे आप फाइनली यहीं से भी यूज कर सकते हैं, टॉगल से यूज करना चाहते हैं तो ये एक इन्होंने टॉगल ऐड कर दिया 11 की अपडेट सेकंड अपडेट के साथ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा। बात करूँ यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो म्यूजिक प्लेयर में आपको दिखा देता हूँ। तो म्यूजिक प्लेयर में आपको देख सकते हैं थोड़ा बहुत UI चेंज देखने को मिलता है, डार्क मोड तो ऑफिशियली देखने को मिलता था लेकिन आपको UI में चेंज देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा। ऑनलाइन म्यूजिक आप पहले भी सुनते थे और ऐड तो अभी भी देखने को मिलती है, तो ये कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इस मोड में बात करूँ मैं फेस अनलॉक के फीचर की, तो वो भी अभी आपको नहीं देखने को मिलता। और वाईफाई कॉलिंग का फीचर की बात करें तो वो भी आपको अभी भी नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे सिम कार्ड में जाता हूँ, सिम कार्ड में जाके मैं जियो में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं वाईफाई कॉलिंग का फीचर नहीं देखने को मिलता। अभी लग रहा है और भी अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद तक आपको देखने को मिलेगा वाईफाई कॉलिंग का फीचर। यहाँ वेदर ऐप को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया गया, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया, तो इस प्रकार का आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, और कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ, अगर आप वॉलपेपर कैर्सुल ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं मैं वॉलपेपर कैर्सुल को ऑन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो मेरा शायद तक ऑन ही होगा, तो मेरा ऑन है वॉलपेपर कैर्सुल, तो आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं वॉलपेपर कैर्सुल ऑन कर रखा है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ अपने आप को, तो यहाँ पे देखते हैं आपको होम बटन और अकाउंट का ऑप्शन नीचे देखने को, पहले आपको 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं, आपको यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शायद तक आपको यहाँ पे गेम का मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाए थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि नेट से थोड़ा बहुत अपडेट हो जाता है, तो शायद तक यहाँ पर गेम मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिल जाता है। बात करूं इसमें ड्यूल क्लॉक की, तो वो अभी भी नहीं देखने को मिलता।
फेस अनलॉक ये फीचर अभी भी नहीं देखने को मिल जाते, और शायद तक नहीं देखने मिले, बहुत पुराना डिवाइस हो गया शायद तक। अगर आपको और भी फीचर लेने हैं तो रेडमी का कोई दूसरा डिवाइस आप ले लीजिए, उसके अंदर फीचर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पुराना डिवाइस हो चुका है। तो शाओमी इसे शायद तक फ्यूचर में शायद तक अपडेट देना भी बंद कर दे थोड़े दिनों के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 2-2.5 साल हो चुके हैं इसको अपडेट देते हुए। हालांकि हर कंपनी 2 साल तक देती है, लेकिन ये शाओमी ने बहुत ज़्यादा दिन तक दे दिया शायद तक। अब आपको अपडेट इसमें फ्यूचर में देखने को मिले 11.2.12 तक शायद तक देखने को मिल जाए, उसके बाद शायद तक इसमें अपडेट पुश कर दिया जाए। तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा अपडेट तो देती है, पर बाकी कंपनी कई बार 1 साल या 2 साल में बंद कर देती है। और सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है, लेकिन 2-3 महीने बाद मिल रहा है, शुक्र मिल रहा है, लेकिन बाकी कंपनी तो सीधा बंद हो जाता है। तो शुक्र मानिए आपको इतना अपडेट मिल गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कुछ ज्यादा बोरिंग से अपडेट था, कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। 11.1 सीरीज के साथ बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं रेडमी 5 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।